मीडिया पर इस समय अरेस्ट कोहली ट्रेंड हो रहा है। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिर विराट कोहली ने ऐसा क्या कर दिया जिस कारण उन्हें अरेस्ट करने की मांग की जा रही है। तो चलिए आपको बताते हैं इसकी वजह क्या है। दरअसल भारत में क्रिकेट को धर्म की तरह माना जाता है और क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को भगवान से कम का दर्जा नहीं दिया जाता। और अगर आपका कोई पसंदीदा खिलाड़ी हो और किसी ने उस खिलाड़ी के बारे में कुछ गलत बोल दिया तो आपको शायद गुस्सा भी आ जाता होगा। लेकिन क्या हो जब इसी गुस्से के चलते किसी की जान ही ले ली जाए। आपको भी सुनकर हैरानी हुई होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार तमिलनाडु में एक दोस्त ने अपने करीबी दोस्त को ही क्रिकेट को लेकर हुई बहस के चलते चाकू मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त साथ में ड्रिंक पर जा रहे थे और तभी दोनों के बीच अपने पसंदीदा क्रिकेटरों को लेकर बहस शुरू हुई, जहां एक ने दूसरे को चाकू मार दिया। बताया जा रहा है कि एक दोस्त ने जब दूसरे से विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा की बुराइयां करनी शुरू कर दी तो दोनों के बीच में पहले लड़ाई हुई और फिर एक ने अपने साथी को ही चाकू मार दिया। अपने फेवरेट क्रिकेटरों की बुराई ना सुन पाने की वजह से ही आरोपी ने अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। जैसे ही खबर फैली पुलिस ने भी इसकी जाँच शुरू कर दी। मामला सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। किला पालूर पुलिस के अनुसार रोहित शर्मा का प्रशंसक विघ्नेश और विराट कोहली का समर्थक धर्मराज मंगलवार रात मल्लूर के पास सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट के पास एक खुले क्षेत्र में क्रिकेट पर चर्चा कर रहे थे। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें वायरल हो रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा का फैन जब विराट कोहली और आरसीबी का मजाक बनाए तो गुस्से में उसने उसके सिर पर बैट से हमला कर दिया। इसके बाद जो रोहित का फैन अपने साथी के सिर पर बियर की बोतल मार दी। इसके बाद फिर चाकूबाजी की घटना हुई, जिस कारण खुद को कोहली का फैन बताने वाले शख्स की मौत हो गई। रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैन अक्सर सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ भिड़ते नजर आते हैं। कुछ रोहित को विराट से बेहतर बताते हैं तो कुछ विराट को महान मानते हैं। रोहित को लेकर तर्क दिया जाता है कि वह विराट की तरह फिट नहीं, जबकि रोहित के फैंस ने विराट कोहली के फैन को उनके आईपीएल के रिकॉर्ड को बताकर